All right, guys, welcome to the top 5 of this week. फिर से बता दूं, चलता कि we love and respect our prime minister. और एक चीज और बता दूं, 10 मार्च से पहले जितनी गड्डी भगानी है भगा लो, क्योंकि चाचा एकदम होल्ड करके बैठे हैं. नहीं, उसके बाद पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ने वाले. मेरी मर्जी. अभी इलेक्शन का टाइम है, जनता फायदा उठा ले. If you liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. I mean, try to understand this tragedy here. We all know that petrol के दाम रोके हुए हैं क्योंकि election है. जब ऐसे election नजदीक आए, government ने petrol का दाम सस्ता कर दिया ताकि इनकी voting बढ़ जाए. और election के बाद फिर से बढ़ेंगे. Petrol 105 रुपए से 95 कर दिया. कोई पता नहीं है सरकार बनने के बाद ये 105 नहीं 150 हो जाए. तो जनता बड़ी है इलेक्शन. Shut up. We are creating these videos because Godi Media is not doing the job. India की history का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का. 22,842 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है एक कंपनी पर. लेकिन आपको मीडिया पे बस ये बातें इधर कम्युनल बातें हिंदू मुस्लिम करते हुए मिल जाएंगे लोग, लेकिन इस पर नहीं होगी. इतने सारे बैंकों का पैसा खाया इन लोगों ने. दरअसल AGB इंटरनेशनल कंपनी पर ये आरोप लगाया गया. बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड गाइस, रियली इंपॉर्टेंट डेटा ओवर हियर. ये पता नहीं क्यों लोग बात नहीं कर रहे हैं, पर कितने घोटाले हो रहे हैं. जब RTI के थ्रू पूछा गया तो RBI ने क्या कहा. RBI ने कहा कि 2020-21 में हर रोज 229 घोटाले होते हैं, फ्रॉड होता है बैंकों के साथ. हम लोग EMI नहीं भरते तो है ना, बैंक वाले जान ले लेते हैं फोन कर करके कि अरे आपका पैसे नहीं आए. और ये लोग इतना पैसा खाते हैं. एंड व्हाट अपोजिशन इज सेइंग, वी हैव टू लिसन टू दैट. अब कांग्रेस कह रही है कि पिछले 7 सालों में 5,35,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बैंकों में. किसी ना किसी बैंक में तो अकाउंट होगा, ये हमारे पैसा है जो लूटा गया है. लेकिन एक बात नहीं हो रही, 5,35,000 करोड़. आई मीन सी द सिचुएशन ऑफ अ कॉमन मैन हियर. जेब खाली है, बैंक से लोन लेने जाओ तो इतने हाई इंटरेस्ट में मिलता है, लेकिन जब इतना बड़ा फ्रॉड होता है तो सब खामोश है. आई मीन कम ऑन, आई नो दिस इज अ जुमला है. देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर होपिंग फॉर 15 लाख्स इन देयर अकाउंट्स. ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा. मालूम है कि वो जुमला है, पर हाँ वो वाले तो नहीं आ रहे. कम से कम जो हमारे वो तो मत जाने दो. तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है. यार अभी तो पूरे कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं. नया नारा है नवा पंजाब. क्या बोले मैं समझा नहीं. इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ मोदी जी एंड आफ्टर दैट योगी जी. गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा का विषय बना हुआ है. ये काइंड ऑफ प्रचार ही हो रहा है, पर पता नहीं कोई क्यों रोक नहीं रहा है. और जनता देखो इस रैली में. या आई मीन इफ मोदी जी विल सी दिस, ही विल से दिस टू योगी जी, मजा नहीं आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द ओवर कॉन्फिडेंस. क्या ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है यार. आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस पिक्चर ऑफ योगी जी एंड मोदी जी बिफोर द वोटिंग. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इफ यू रिमेंबर, यूएस में हिलेरी क्लिंटन ने भी गलती की थी कि वोटिंग के रिजल्ट आने से पहले अपनी पिक्चर लगा दी थी. उसके बाद मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2 मई, दीदी जत्थे, एंड दे वर डूइंग द आसोल परिवर्तन. इफ यू रिमेंबर, आसोल परिवर्तन. फिर से बोल रहा हूँ, चाहे जिसकी सरकार हो, जनता का भला हो, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस वेस्ट बंगाल में भी दिखा था. 2 मई दीदी गई, आसोल परिवर्तन, पर रिजल्ट क्या आया, ही इज द CM नाउ. दिस इज द पिक्चर बिफोर द वोटिंग. सो या लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ओके गाइस, नाउ वी हैव टू डू इट. And this, in any kind of a trade, there is a capital risk involved. Guys, this is a really deep thought. Yeah. Let me tell you. You know, to earn something, first you have to learn. Okay. ये बहुत पुराना ये खेलते हैं हम लोग, वर्ड प्ले होता है कि पहले लर्न करो, फिर L हट जाएगा और earn रह जाएगा. लेकिन होता सिर्फ ये कि L ही रह जाता है. चल बा. छोड़ो. लेकिन यहाँ पे आपको ना लर्न करना है ना कुछ. बस जो आपको पहले से पता है, उसके बेसिस पे यू कैन अर्न मनी. आई केम अक्रॉस टू अ स्मार्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई अर्न फ्रॉम व्हाट आई ऑलरेडी नो. दिस ऐप इज ऑल्सो गिविंग यू रियली इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टिप्स. ये हमारे देश में होता है, हर बात पे अपना ओपिनियन देते हैं. ओपिनियन जरूर देंगे,
चाहे कोई ले ना ले, लेकिन ओपिनियन सबका रहता है। आपको भी यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है एक गिवन क्वेश्चन पे। इफ योर ओपिनियन इज करेक्ट, यू विल अर्न द मनी। यू नीड टू ट्रेड योर ओपिनियन विद वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जस्ट बाय सिंपल यस और नो। सो ब्यूटी ऑफ दिस ऐप इज कि आप अपने फेवरेट टॉपिक कर सकते हो। ये टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, उसके बाद आपको बिट सिलेक्ट करनी है लाइक दिस। इट कैन बी एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड आफ्टर दैट यू कैन वेट and if your opinion is actually correct you will earn money. To karna just watch this video, entire video, and you will get the twist at the end. Watch the entire video. Party hai janta party hai sanskar party hai, hamari party ka bhi koi galat karta hai uska saath nahi deti hai bhai aur behno, saath nahi deti hai, wo chillata karta hai is baat ko lekar asol parivartan and people are really angry. वीडियो नंबर वन, बेटा अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? 5 किलो में जिंदगी कट जाएगी मेरी, आप सोचिए। एंड नाउ दिस वीडियो एंड दीज एम्प्टी चेयर्स व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज कंडक्टिंग द रैली इन सहारनपुर। स्टिल दे आर क्लेमिंग द विक्ट्री, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। योगी जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी, तो यूपी केरला जैसा हो जाएगा। लोगों ने कहा करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। Because the condition of Kerala is way, way more better than UP right now. जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। And if you remember the Prime Minister's interview with ANI, he said a really important thing about dynasty. Dynasty के रूप में चल रहा है, कोई dynamics है ही नहीं, only dynasty. ये जो बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है, और आप देखें हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। खैर, dynasty का तो इंडियन क्रिकेट भुगत ही रहा है। कैमरा इस ओर कर दो तुम। वैसे एक बहुत लंबी लिस्ट है, पड़ी गई है, सुनो तो सही। प्रीतम मुंडे, पूनम महाजन, हीना दावित, खड़सा रक्षा खड़से, सुजय विखे पाटिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया हु आल्सो इज नाउ अ मिनिस्टर सर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। ये जब बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है, और आप देखें हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। You know guys, the irony is that thanks to Godi media, more than parliament speeches, we are watching election rallies. मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये खाया, बस यही चलता है गोदी मीडिया पे या फिर हिंदू मुस्लिम घर वालों पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, उसे भी सुनना, क्योंकि उसमें देश का कहीं हित छुपा होता है, वो नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया। मिस्टर कपिल सिब्बल की स्पीच, ही सेड अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द हेल्थ ऑफ आवर किड्स। आप बच्चों पे ध्यान दो, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, उसको छोड़ दो। एक और अच्छी बात उन्होंने की कि सपने फेंके जा रहे, लगा ना फेंको, हाँ फेंके जा रहे। आप लोग आसमान की तरफ देखते हो, फेंकते हो सपने, फेंकते हो सपने, दिखाते हो। जमीन को देखिए, हिंदुस्तान की जनता के हालात को देखिए। एज आई टोल्ड यू बिफोर, 2019 में बताया गया कि 2022 को हम क्या करेंगे, लेकिन 2022 में हमने क्या क्या पूरा किया ये नहीं बताया। अब 2047 में क्या करेंगे ये बता दिया गया। तो या इन शॉर्ट, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। Elections are going on in the country, and again I'm saying this, please vote on the basis of development. Berozgari, mehngai, aapsi bhai chara rakhna, ye sab bahut bade bade mudde is par hone chahiye. You know, unemployed people are committing suicide. Ye data hai. Log बेरोजगार होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा। 25,000 पीपल हैव डाइड बाय सुसाइड ड्यू टू आइदर अनएम्प्लॉयमेंट और इनडेबटनेस बिटवीन 2018 एंड 2020। द सेंटर वाज प्रोवाइडिंग अ रिस्पांस टू अ क्वेश्चन ऑन द नंबर ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया। या दैट वाज द डेटा बाय द वायर एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग वरी गाइस। क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नम नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस वक्त है। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी,
आज हिंदुस्तान में है। तो समझो बात, देश संकट में है। Also in this election time, the language, they are not using the right language. Please control your language, okay? योगी जी कह रहे गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। Our home minister is saying this for the CM candidate in Uttarakhand. ये बिचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे नहीं बनाएंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, यहाँ से देंगे वहां से देंगे, एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता न घर का न घाट का। सच में गुल्लू की याद आ गई, थोड़ी मर्यादा तो रखी है। मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आपसे? I mean, we had such great leaders like Atal ji, Sushma ji. They were so good with the language. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इनकी भाषा शब्दावली में इतना आदर और सम्मान झलकता था, सुनकर प्रसन्नता होती थी। अब क्या हो रहा है? तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? एक धोबी का। Okay guys, we have to remember this great man, Mr. Rahul Bajaj. ऐसा शायद कोई भी ना होगा जिसने ये ट्यून कभी ना सुनी हो। हमारा बजाज। So he left us this week and people were remembering him. And the most important thing that he was a courageous man. इन्होंने जो नाम कमाया और देश के लिए जो किया, इनका योगदान अमूल्य है। लेकिन लोग साथ में ये भी याद कर रहे थे कि इनमें कितना करज था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। आई मे बी रॉन्ग, बट वो हम सबको लगता है कि आई कांट स्पीक फॉर एवरीबॉडी, बट ये चीज है जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हंस रहे हैं लोग। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ करेज। चढ़ बैठे सूली पर इन फ्रंट ऑफ मिस्टर अमित शाह। सात अर्थ में बजाज साहब एक हवा बनाया है। यह काम तो कोई हिम्मत वाला ही कर सकता। सैल्यूट यू बजाज सर। सो या गाइस, दिस इज टुडे शो एंड बिफोर आई गो, ये बैंकों में जो घोटाले हो रहे हैं ना, इनका इनडायरेक्टली असर हम पर ही पड़ेगा। तो जरा सोचिएगा, ये 22,000 करोड़ से बड़ा जो घोटाला हुआ, ये क्यों हो रहे हैं, किसकी ढिलाई की वजह से हो रहे हैं? So that was the question today. I'm leaving you with this question. Also, before I go, don't forget to check out the Probo app. Link in the description section. फिर से बता दूं, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारी बस यही मंशा होती है कि देश तरक्की करे, देश के लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।